हाय गाइस, वेलकम टू न्यूज़ तड़का। तो बारिशों का मौसम है और जब कभी भी बारिश पड़ जाती है तो ऐसे टाइम पे बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है सब्जी लेने के लिए। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा जो घर में पड़े सामान से ही बन जाएगा और टेस्टी भी इतना बनता है कि सब बहुत खुश होकर खाते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और पानी में भिगो के रख दिया है। आधा घंटा भिगो दिया मैंने इसको, तो ये देखिए इस तरह से ये फूल गई है। अब हम इसको डाल लेते हैं कुकर में, और बहुत थोड़ा सा हमने पानी इसमें डालना है कि दाल के नीचे नीचे पानी हो। बस इतना सा पानी डालेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और साथ ही डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। अब ढक्कन लगा लेते हैं और 2 सीटी फुल गैस पर भिजवा लेंगे। तो 2 सीटी में ही दाल ये हो जाती है, अगर आपकी नहीं हो तो आप देख के फिर उस हिसाब से 1 सीटी और भिजवा लीजिएगा। लेकिन हमें इस तरह की दाल ये चाहिए, एकदम खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए। और ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, एकदम खड़ी है दाल और ज़्यादा पानी भी नहीं है और सॉफ्ट भी हो गई है, कच्ची नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम इसके अंदर से ये जो सूखे मसाले हमने डाले थे इनको निकाल लेते हैं और अब इसे लगाते हैं तड़का। तो कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया है हींग और 1.5 चम्मच जीरे का मैंने इसमें डाला है, जीरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक, जिसको बारीक मैंने काट लिया था। अब लहसुन अदरक जब हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ 4-5 हरी मिर्चें, जिनको इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 करी पत्ता के। तो करी पत्ता कोशिश कीजिएगा ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। इसको डालकर भी हमने अब हम सेक लगवा लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज थोड़ा सा गल जाएगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसके अंदर डालेंगे अपने बाकी के सूखे मसाले। तो देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब 2 मिनट इनको सेक लगवा लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने रफली काट लिया है। तो टमाटर भी इसमें थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक हमने दाल में भी डाला था तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब अच्छे से हम इनको भून लेंगे जब तक हमारे टमाटर गल जाएंगे और ऑयल ना रिलीज़ कर दें। तो देखिए टमाटरों ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर का और 1/2 चम्मच गरम मसाला का। तो बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। 2-3 मिनट इन मसालों को भून लेंगे और बस हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी बॉयल की हुई दाल। तो दाल हम अपने पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे, गैस को फुल पर रखेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको हल्के हाथ से चलाते जाएंगे। साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे और अब देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ढक देते हैं, गैस को कर देंगे मीडियम पर और 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम गैस पे ही बॉयल होने देंगे, और साथ साथ ही बीच में हम इसको चलाते भी जाएंगे। तो देखिए इस तरह से दाल हमारी हो जाएगी, धीरे धीरे इसका पानी सूख जाएगा और ये एकदम से ड्राई बननी चाहिए। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको हम सूखी चने की दाल कहते हैं। जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा, गैस को बंद कर देंगे और धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो अब ये तैयार है सर्व होने के लिए। मैंने इसको सर्व किया है परौंठी और दही के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसको बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, लंच में दीजिए, या फिर आप ट्रैवल करते हुए भी आप इसको साथ में लेके जा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।